बताऊंगा सर अभी आपको, आपको भी मदद लेना है उस मार्केटिंग में, बहुत बड़ा मार्केटिंग किया है। मैं सर कलकत्ता में घर ले रहा हूँ सर, वही मार्केटिंग करने गया था। वहाँ एक पर्णश्री ग्रीन खुला है, उधर पर्णश्री ग्रीन एक नया प्लाट खुला है सर। मैं कलकत्ता में रहने का अभी डिसाइड कर लिया हूँ कि कलकत्ता में स्टे करूँगा, तो एक घर देखने गया था सर। एक बिल्डर बना रहा है बगल में, तो मैं अल्टीमेटली डिसाइड किया कि कलकत्ता में सेटल करूँगा। तो आज वो गया था तो उसका पास में, उसका भुवनेश्वर में नहीं, भुवनेश्वर में लिया था, लेकिन भुवनेश्वर से कलकत्ता मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, आई डोंट नो व्हाई। भुवनेश्वर बहुत ये हो गया सिटी, बिजनेस लाइक सिटी हो गया, बहुत फास्ट हो गया वहाँ लाइफ, लेकिन कलकत्ता में वो नहीं है सर। कलकत्ता में अभी लोगों का अंदर में प्यार मोहब्बत ये सब है। भुवनेश्वर एडवांस्ड लॉट, लेकिन लोगों का अंदर में वो सब पूरा ना, जैसे भुवनेश्वर शहर का हालत तो बहुत ही खराब है। स्पेशली गार्डन रिच कॉलोनी में इतना दिन रहने के बाद, इतना लोगों का प्यार मोहब्बत मिलने के बाद, मुझे लगता है कि यहाँ आसपास में ही सेटल करना बेटर है, ताकि एटलीस्ट लोग पहचानेंगे कि ये डॉक्टर यहाँ 20-25 साल था, अभी बूढ़ा हो गया, लेकिन यहाँ है। पिताजी तो गांव में हमारा 5 मकान है एक्चुअली, मेरा टोटल 15-20 मकान है। हर पिताजी 5 बनाया है, भुवनेश्वर में है, ब्रह्मपुर में है, लेकिन अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कलकत्ता में सेटल कर लिया। और सब कौन देखेगा? देखेगा देखेगा कौन, ईश्वर देखता है। बड़ा में लगा हुआ है। ठीक है, हमारा एक ही बेटी है, वो अच्छा पढ़ रही है, वो भी बोलती है मैं इंडिया में नहीं रहूँगी, मैं अमेरिका या USA चले जाऊँगा। वो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन पढ़ रहा है, उसके बाद MBA करेगा। उसको मेरा ऑलरेडी 2 फ्रेंड अमेरिका में है, वो बोल रहे हैं कि उनका रिलेटिव लोग इसका शादी करा देंगे बेटा का, बेटी का। तो अल्टीमेटली मेरा बेटी भी नहीं रहेगी इंडिया में, ऐसा लगता है आजकल, क्योंकि मेरा जितना फ्रेंड USA UK में है, वो सब एक एक रिलेटिव को पकड़ के बैठे हैं कि मेरा बेटी से शादी कराएंगे। तो अल्टीमेटली मेरा बेटी भी इंडिया में रहेगी नहीं, क्या किसका होगा वो अलग बात है। अल्टीमेटली सोचा हूँ कि अल्टीमेटली आपका मदद लूँगा, वो जो सब उसका ब्रोशर वगैरह लेके आया हूँ, आपको दिखाऊंगा कि वेदर वो सही रेट दे रहा है उन्होंने दे रहा है, उसे आपको दिखा दूंगा। आपका हेल्प भी मुझे चाहिए था, और फॉर्चुनेटली आप सुबह ही फ़ोन किया, मैं आपके पास आने का ही सोच रहा था।